आज के लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो है अपने लास्ट लेक्चर्स को रिवाइज कर लेते हैं, एक ब्रीफ समरी बना लेते हैं। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में फैटी एसिड की सिंथेसिस को डिस्कस किया था। बेसिकली वैसे इट्स टू प्रोसेस, द बीटा ऑक्सीडेशन एंड द फैटी सिंथेसिस। ठीक है, तो ये दोनों रिलेट करते हैं। तो हमने फैटी एसिड सिंथेसिस को जो है डिस्कस किया था, क्योंकि आपकी जो आउटलाइन है उसमें फैटी एसिड बायोसिंथेसिस है, इसलिए हमने उसको ब्रीफली जो है डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो हम जो है अब रेगुलेशन की बात अगर करें, तो उससे पहले हमने फैटी एसिड की जो सिंथेसिस है उसको देखा। लास्ट लेक्चर में हमने फैटी एसिड की सिंथेसिस को कम्प्लीट कर लिया। उसके अलावा हमने फैटी एसिड की जो इंट्रोडक्शन था वो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में जो है वो डिटेल में पढ़ लिया था। अब उसमें कुछ हमने लास्ट लेक्चर में भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड का डिस्कस किया था। इसको मैं दोबारा से अगर आपको बता दूँ आसान करके, तो उसमें एसेंशियल हम कहते हैं कि कुछ सम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज़ नहीं कर सकती, वो चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती हैं, उसको एसेंशियल कहते हैं। और नॉन एसेंशियल हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें खुद ही जो है वो सिंथेसाइज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो नॉन एसेंशियल होती हैं। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल में वो खुद ही बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, जबकि एसेंशियल में बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती। उसके अलावा इसकी जो हमने डबल बॉन्ड की बात की थी, तो इसकी जो पोजीशन है वो हम उसकी डबल बॉन्ड को देखते हुए रखते हैं। उसके नाम अगर रखते हैं, जैसे कि अगर हम ओमेगा 3 जो है नाम रख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ओमेगा 3 इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि उसका जो डबल बॉन्ड है वो उसकी पोजीशन 3 पर मौजूद होता है। तो इनमें हम कहते हैं डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं। तो हमने अब जो इसकी रेगुलेशन है इसको डिस्कस करना है। तो फैटी एसिड की सिंथेसिस और ये जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इन दोनों की जो है वो कॉर्डिनली रेगुलेटेड होते हैं, कि दोनों में कॉर्डिनेशन मौजूद होती है। तो हम अपना जो हमारा मेन टॉपिक है वो फैटी एसिड सिंथेसिस है, तो हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कुछ सिग्नल जो है वो मौजूद होते हैं। अब वो हार्मोनल सिग्नलिंग भी होते हैं, एंजाइमेटिक सिग्नल्स भी होते हैं, डायट्री भी हो सकते हैं। तो रेगुलेशन जो है वो बहुत सारे प्रोसेसेस से होती है, यानी कि इसमें एंजाइमेटिक रेगुलेशन भी होती है, उसके अलावा इसमें जो है हार्मोनल भी है, डायट्री भी होती है, उसके अलावा NADPH जो है उसकी उस पर भी ये डिपेंड करती है रेगुलेशन। तो अब हम यहाँ पे साथ साथ देखते जाते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट में मौजूद होता है, जबकि फैटी एसिड सिंथेसिस हमारे पास कम मौजूद होता है। अब रेगुलेशन कब होती है कि जब हमारे पास एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट हायर अमाउंट में होता है, जबकि फैटी एसिड सिंथेसिस हमारे पास जो है वो लो अमाउंट में है। उसके अलावा हम एनर्जी की अगर बात करते हैं कि हायर अमाउंट का क्या मतलब है, कि एनर्जी जो है वो हमारे पास ATP की फॉर्म में मौजूद होती है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं बाय एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। ये मैंने आपको एंजाइम बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एक की एंजाइम के तौर पर काम करता है। तो एनर्जी हमारे पास ATP की फॉर्म में मौजूद होती है और इस एंजाइम की मदद से ये ATP जो है वो क्या करती है, वो मेलोनाइल कोएंजाइम बनाती है। एसिटाइल कोएंजाइम से ये एंजाइम इस ATP को इस्तेमाल करके एसिटाइल कोएंजाइम को बना देता है, कन्वर्ट कर देता है इनटू मेलोनाइल कोएंजाइम। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं किसकी सिंथेसिस में, फैटी एसिड की सिंथेसिस में। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये डिपेंड करता है एंजाइमेटिक रेगुलेशन पे, हार्मोनल रेगुलेशन पे और NADPH की अवेलेबिलिटी पे ये डिपेंड करता है। सबसे पहले हम एंजाइम की बात कर लेते हैं कि एंजाइमेटिक रेगुलेशन क्या है। इस पे हम कहते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज जो है वो एंजाइम यूज होता है, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है। ये क्या काम करता है, ये कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम को मेलोनाइल कोएंजाइम में। अब सिंथेसिस हो गई है, अब इसकी हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो हम कहते हैं मोनोमर फॉर्म होती है, एक हम कहते हैं पॉलीमर फॉर्म होती है। अब मोनोमर और पॉलीमर फॉर्म हम किसको कहते हैं, कि मोनोमर हम कहते हैं कि एक जाहिर सी बात है अगर हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें एक्टिव होंगी और कुछ इनएक्टिव होंगी। अब मोनोमर फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म है जबकि पॉलीमर फॉर्म एक्टिव फॉर्म होती है। अब मोनोमर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमर फॉर्म में। अब क्योंकि जाहिर सी बात है अब कोई चीज़ इनएक्टिव है तो वो एक्टिव में कन्वर्ट होती है, और अगर कोई चीज़ एक्टिव है तो वो इनएक्टिव में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक फीडबैक इनहिबिशन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, ये एलोस्ट्रिकली रेगुलेट बाय सिट्रेट। हम यहाँ पे एलोस्ट्रिकल की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो है एलोस्ट्रिक रेगुलेशन, यानी कि एलोस्ट्रिक रेगुलेशन हम किसको कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एलोस्ट्रिक रेगुलेशन वो क्या काम कर रही है फैटी एसिड सिंथेसिस में।
अब ये जो एंजाइम है वो एलास्टिकली रेगुलेट इस तरह करता है कि वो सिट्रेट जो है, वो जो सिट्रेट है उसकी मदद से एसिटाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में ट्रांसफ़र करवा देता है। ये हमने पहला वही स्टेप जो हमने देखा था कि एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया से उसके साइटोसोल में जाता है किसकी मदद से, सिट्रेट की मदद से। और इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इस सिट्रेट को, वो कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि वो एंजाइम एलास्टिकली रेगुलेट करता है। सो हम कहते हैं कि सिट्रेट जो है वो क्या काम करता है, सिट्रेट एलास्टिक एक्टिवेटर का काम करता है। तो हमने क्या देखा कि सिट्रेट जो है वो एलास्टिक एक्टिवेटर का काम करता है। उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है, हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने इसको डिटेल में देखा था, अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक तो आप लोग उसको काइंडली देख लें, ठीक है। तो हम जो है ये देख लिया कि जो एलास्टिक एक्टिवेटर है ये सिट्रेट है, उसके अलावा पॉलीमर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मोनोमर फॉर्म, इट इज़ अ फीडबैक इनहिबिशन। ये मैंने अभी आपको बात बता दी है कि इसमें क्या होता है कि जो अगर मोनोमर कन्वर्ट होता है पॉलीमर में तो पॉलीमर जो है वो भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी मोनोमर, ठीक है। तो एलास्टिक रेगुलेशन कब होती है ये भी मैं आपको बता दूँ, तो एलास्टिक रेगुलेशन उस टाइम होती है कि जब कोई भी एक्टिवेटर या कोई भी इनहिबिटर मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक रेगुलेटरी साइट जो एंजाइम की है उस पर आकर बाइंड करता है, तो उसकी मदद से जो भी चेंजेस होती हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी में उसको हम कहते हैं एलास्टिक रेगुलेशन, ठीक है। यानी कि जैसे कि अभी हमारे पास एक एंजाइम था एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, ठीक है, वो एंजाइम है। अब वहाँ पे कोई भी एक्टिवेटर या कोई भी इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, उसने आके उस पर अटैच कर दिया उस एंजाइम पर, ठीक है। इस एंजाइम पर क्या हुआ कि वो कोई भी जो हमारे पास एक्टिवेटर या कोई भी इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर आकर अटैच कर जाता है, जिसकी मदद से उसमें कोई भी चेंजिंग जा जाती हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल उसकी एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है या फिर उसकी एक्टिविटी इन्हेंस हो जाती है, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसको हम इलास्टिक रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक जो है डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा हमने बात की थी उसके एंड प्रोडक्ट की, फैटी एसिड की सिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट की बात की थी। तो एंड प्रोडक्ट में हमने पाल्मिटेट को डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने जो है हमने कहा था कि एंड प्रोडक्ट जो है फैटी एसिड का वो क्या है, पाल्मिटेट है, और इसकी एक्टिव फॉर्म जो है हम कहते हैं कि पाल्मिटाइल कोएंजाइम है। ये मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके अलावा पाल्मिटाइल कोएंजाइम जो है ये क्या है, ये एक हम कह रहे हैं फीडबैक इनहिबिशन, दिस पाल्मिटाइल कोएंजाइम बाय फीडबैक इनहिबिशन। अब ये पाल्मिटाइल कोएंजाइम फीडबैक इनहिबिशन के जरिए कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव एंजाइम इनटू इनएक्टिव, यानी कि वो जो पाल्मिटाइल बना है वो एक्टिव से इनएक्टिव में हो जाता है। अब ये इस डायग्राम की मदद से आपको समझ आ जाएगी, यानी कि ये एक साइकिल है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिट्रेट है, ठीक है, यानी कि उसमें एलास्टिक एक्टिवेटर है, सिट्रेट एलास्टिक एक्टिवेटर है, उस एंजाइम से वो चेंजिंग्स आ जाती हैं सिट्रेट में, जो भी एलास्टिक रेगुलेशन हो जाती है उसकी बाइंडिंग एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज पे, कोई भी बाइंड एक्टिवेशन कोई भी इनहिबिटर है या कोई भी उस पे बाइंडिंग साइट, उसकी बाइंडिंग साइट पे कोई भी इनहिबिटर मॉलिक्यूल या कुछ भी आके अटैच हो जाता है तो उसमें कुछ चेंजिंग्स आ जाती हैं, तो इसलिए वो सिट्रेट की मदद से वो चेंजिंग्स आ गई सिट्रेट पे। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं चेंजिंग्स आ गई, देन मोनोमर इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर, इनएक्टिव फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। अब यहाँ पे दूसरी बात हमने पाल्मिटाइल कोएंजाइम की थी, ठीक है, ये तो उसका फैटी एसिड का ये स्टार्ट पॉइंट था, ये फैटी एसिड सिंथेसिस का स्टार्ट पॉइंट है। अब ये फैटी एसिड का एंड पॉइंट है पाल्मिटाइल कोएंजाइम, जो है कि फीडबैक इनहिबिशन की मदद से एक्टिव को कन्वर्ट कर देगा इनटू इनएक्टिव फॉर्म, क्योंकि हमने ये बात कर ली थी कि यहाँ पर जब पाल्मिटाइल कोएंजाइम बन जाता है तो दोबारा से वो फर्दर इलोंगेशन स्टेप में हिस्सा नहीं लेता और वहाँ पर जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, इसलिए वो एक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है इनटू इनएक्टिव। लेकिन सिट्रेट ने जाहिर है आगे इलोंगेशन स्टेप तक काम करना है, तो इसलिए वो इनएक्टिव को एक्टिव तक जो है वो इनएक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं हार्मोनल रेगुलेशन की। तो हार्मोनल रेगुलेशन में क्या कहते हैं कि हम जिस तरह एंजाइम्स जो है रेगुलेशन में हिस्सा लेते हैं उसी तरह कुछ हार्मोन्स भी हैं जो कि हम कहते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हार्मोन जो हैं रेगुलेट करते हैं दिस एंजाइम बाय बट थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। तो हार्मोन जो हैं वो भी ये जो एसिटाइल, क्योंकि ये हमारा की एंजाइम ही एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज है, इसी ने हमारे सारे स्टेप को लेकर चलना है, तो उसको भी कुछ हार्मोन जो हैं वो रेगुलेट करते हैं बट कुछ डिफरेंट तरीके से करते हैं।
अब हमारे पास हम कहते हैं कि एक फॉस्फोरिलेशन स्टेट होती है और एक डीफॉस्फोरिलेटेड स्टेट होती है, तो अगर तो एंजाइम फॉस्फोरिलेटेड स्टेट में है तो वो इनएक्टिव होगा, जैसे मोनोमर इनएक्टिव है इसी तरह फॉस्फोरिलेटेड भी इनएक्टिव फॉर्म में होगा। उसके अलावा अगर हमारे पास एंजाइम डीफॉस्फोरिलेटेड स्टेट में है तो हम कहते हैं कि वो एक्टिव फॉर्म में है। अब यहाँ पर दो आपने हारमोन्स को याद रखना है, एक ग्लूकागोन और एक इंसुलिन हारमोन। ग्लूकागोन की अगर बात करें तो ग्लूकागोन हारमोन जो है बाइंड करता है विद रिसेप्टर। जब कोई रिसेप्टर के साथ किसी रिसेप्टर के साइट पे ग्लूकागोन आके बाइंड कर जाता है तो उसमें जो CAMP है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि CAMP हम कहते हैं प्रोटीन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। तो हम प्रोटीन डिपेंडेंट काइनेज होता है। अब यहाँ पे जब ये इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, फॉस्फोरिलेट दिस एंजाइम। जब ग्लूकागोन हार्मोन जो है किसी भी रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है जिसकी मदद से उसकी जो प्रोटीन काइनेज है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस टाइम वो इंजाइम जो है वो फॉस्फोरिलेट हो जाएगा, यानी कि वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि हमने बात की कि जब भी कोई हार्मोन, जैसे कि एंजाइम की बात की कि उसमें कोई इलेक्ट्रिक रेगुलेशन हो जाती है, इसी तरह इसमें भी क्या होता है कि कोई भी हार्मोन जो है, ठीक है, वो उसकी रिसेप्टर साइड पे आके बाइंड कर देता है तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी इन्हेंस भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो सकती है। तो इसने उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया, उसको इनएक्टिव करवा दिया, फॉस्फोरिलेट करवा दिया। तो ग्लूकागोन जो है हम कहते हैं कैंप में कन्वर्ट होता है, जब उसके बाद कैंप की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, देन हम कह रहे हैं कि प्रोटीन काइनेज की मदद से जो डीफॉस्फोरिलेटेड है यानी कि एक्टिव फॉर्म जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फॉस्फोरिलेटेड में, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा हम कहते हैं कि फिर हमारा जो फैटी एसिड का प्रोसेस है वो इनहिबिटेड हो जाता है, इस सारे प्रोसेस की मदद से फैटी एसिड का प्रोसेस इनहिबिटेड हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास इंसुलिन होती है, इंसुलिन जैसे कि ग्लूकागोन हार्मोन है इसी तरह इंसुलिन है। अब ये उससे उल्ट है, वो ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। इंसुलिन जो है वो प्रमोटेड करती है, या हम कह रहे हैं स्टिमुलेटेड द प्रोसेस ऑफ डिफॉस्फोरिलेटेड। तो इंसुलिन जो है वो इस प्रोसेस को डिफॉस्फोरिलेट रिलेट कर देगी, यानी कि ये फॉस्फोरिलेटेड था तो अब आप इंसुलिन की, जब आप इंसुलिन करेंगे तो हम कह देते हैं फॉस्फोरिलेटेड, ये हमारे पास फॉस्फोरिलेटेड है और ये हमारे पास डी फॉस्फोरिलेटेड है। अब जाहिर इसने प्रमोट करना है तो इनएक्टिव को इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये इस तरह हमारे पास बन गया, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि इंसुलिन प्रमोट कर रही है डिफॉस्फोरिलेटेड को कि फॉस्फोरिलेटेड को कन्वर्ट कर देती है इनटू डिफॉस्फोरिलेटेड। तो दोनों हार्मोन्स हैं, अब दोनों का क्या कहा मैं, एक ने उसकी एक्टिविटी को, इसने ग्लूकागोन ने उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस किया जबकि इंसुलिन ने उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर दिया। तो अब आपको आई होप समझ आ गई होगी कि जब भी कोई बाइंडिंग साइट पर कोई रिसेप्टर जो है हम कह रहे हैं कि कोई भी उसकी आकर अटैच करता है या कोई भी इनहिबिशन मॉलिक्यूल या इनहिबिटर आकर उस पर अटैच करता है तो उससे बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है एंजाइम पे, वो काम कम भी कर सकता है, काम ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा हम कहते हैं कि जो हमारे पास हाई कार्बो, अब हम डाइट्री की अगर बात करें कि डाइट किस तरह फैटी एसिड सिंथेसिस पर असरअंदाज होती है, तो जैसे अब हम हाई कार्बोहाइड्रेट या कोई फैट फ्री डाइट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मदद से जो फैटी एसिड की सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाती है एट द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्योंकि हमारे जीन्स में, हमारे सेल्स में ये चेंजिंग्स होती हैं, जैसे आप कोई भी खुराक खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है या फिर फैट फ्री है तो उसकी मदद से फैटी एसिड की जो सिंथेसिस है वो ज़्यादा हो जाती है उसके जीन एक्सप्रेशन लेवल पे। अगर आप कोई हाई फैट खुराक ले रहे हैं तो उससे फैटी एसिड की सिंथेसिस रिड्यूस भी हो रही है। ये फैट फ्री है, ये हम फैट फ्री की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो फैट ज़्यादा हैं, हाई फैट हैं, तो वो रिड्यूस कर देते हैं उसकी फैटी एसिड सिंथेसिस को, ठीक है। तो अगर ये अभी हमने उसकी डाइट के हिसाब से देख लिया, अगर हम बात करें NADPH की अवेलेबिलिटी की तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि रिडक्शन का प्रोसेस हमने करना होता है तो उसके लिए NADPH की ज़रूरत होती है। अब ये क्या है कि इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ NADPH। NADPH प्रोवाइड रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। अब रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को हम अगर आसान लफ्ज़ों में देखें तो वो क्या है कि NADPH जो है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, तो NADPH अगर नहीं होगा तो फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी। अगर तो NADPH अवेलेबल नहीं है तो फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी, अगर NADPH अवेलेबल है तो फैटी एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि फैटी एसिड की सिंथेसिस जो है वो डिपेंड करती है NADPH की अवेलेबिलिटी पे। तो ये अब हमने रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड को कम्प्लीटली देख लिया है और हमने फैटी एसिड की सिंथेसिस को भी कम्प्लीटली जो है वो देख लिया है। अब यहाँ पर अगर मैं दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लूँ, यहाँ पर हमने जो है लास्ट लेक्चर में
फैटी एसिड को जो है वो डिस्कस किया था, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको देख देते हैं, एक समरी बना लेते हैं। तो ये हमने फैटी एसिड सिंथेसिस पार्ट वन में हमने, वो आपको याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया से हमने साइटोसोल में एस्टाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट कराया था, और उसको सिट्रेट ने माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में लेके गया था, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो वो उसकी इनर मेम्ब्रेन लेके जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो नहीं लेके जा सकती। तो सिट्रेट ऐसा मॉलिक्यूल है कि जो उस माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में उसको ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो पहला स्टेप वो देखा, उसके बाद हमने फैटी एसिड सिंथेसिस जो है इसको डिस्कस कर लिया था। इसमें हमने एसिटाइल कोएंजाइम को मैलोनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया था। अब एसिटाइल कोएंजाइम और जो मैलोनाइल कोएंजाइम होते हैं ना, ये इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इरिवर्सिबल हैं, ये वाला प्रोसेस इरिवर्सिबल है। जबकि जब एसिटाइल कोएंजाइम ने एसिटाइल एसीपी और एसिटाइल मैलोनाइल कोएंजाइम ने मैलोनाइल एसीपी बनाया था, ये रिवर्सिबल है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ रिवर्सिबल हो जाते हैं, जबकि ये वाला जो है ये इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है, ठीक है। उसके बाद हमने एलॉन्गेशन स्टेप में ये चार स्टेप्स को देखा था। उसके अलावा हमने इसमें जो है मेलोनाइल एसीपी और एसिटाइल एसीपी से जो है एसिटोसाइल एसीपी में जो है कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद उसको हमने एसिटोसाइल एसीपी को अब कन्वर्ट किया, यानी कि हमने ये जो बनाया एसिटोसाइल एसीपी, इसको हमने अब कन्वर्ट किया D3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसीपी में। अब इसको हमने कन्वर्ट किया कैरोटिनाइल एसीपी में, अब कैरोटिनाइल एसीपी को हमने कन्वर्ट किया ब्यूटाइल एसीपी में। उसके बाद हमारा लास्ट जो एंड प्रोडक्ट था वो था पाल्मिटिक एसिड, और पाल्मिटिक एसिड जो है वो पाल्मिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी एक्टिव फॉर्म है, देन पाल्मिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट इनटू पाल्मिटाइल एसीपी, ठीक है। वो उसके बाद जो है इस एंजाइम की मदद से वो सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, फिर आगे वो खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, आगे फर्दर एलोंगेशन में वो हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी रेगुलेशन जो है उसको देख लिया। रेगुलेशन में हमने यहाँ से अगर आसानी से देख ले, रेगुलेशन में हमने देखा सिट्रेट एक इलेक्ट्रिक एक्टिवेटर है जो मोनोमर इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है, उसके अलावा एक्टिव को इनएक्टिव में कर देता है, किसकी मदद से, पाल्मिटाइल कोएंजाइम की मदद से। उसके बाद जो है हमने ग्लूकागोन की बात की, ग्लूकागोन की वजह से CAMP इंक्रीज हो जाता है, फिर वो जो एक्टिव फॉर्म है उसको इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंसुलिन उसकी इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड हमने उसे डाइट्री की बात की कि अगर आप फैट फ्री डाइट लेंगे तो फैटी एसिड सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, अगर हाई फैट डाइट लेंगे तो फैटी एसिड सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा NADPH की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि अगर NADPH अवेलेबल है तो फैटी एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी सिंथेसिस नहीं होगी। तो अब हमारा फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है।